てめえ、食悪い顔出してんじゃねえ。ジョイントは俺の手で売った。वन पीस का सबसे ज्यादा आसन किए जाने वाले साइड कैरेक्टर जोरो सांची की रिवाइवल आज तक खत्म नहीं हुई है, जिसकी वजह से फैंस के मन में बस एक सवाल रहता है कि जोरो सांची में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन। लेकिन बट इफ मैं अगर आपको कहूँ, ओडा ने हमें पहले ही बता दिया कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है। यही सेम सब ओडा से फैंस ने पूछा था, तो ओडा ने SBS वॉल्यूम 29 में इसका कुछ अजीब सा जवाब दिया। इस वीडियो को एंड तक देखो और जानो ओडा ने इस सवाल पर डायरेक्टली क्या जवाब दिया। जोरो सांजी की रिवाइवल की शुरुआत लिटिल गार्डन आर्क में ही हो जाती है, जब जोरो सांजी एक दूसरे से बोलते हैं, देखते हैं कौन सबसे बड़ा डायनासोर लेके आएगा। फिर हमें एंड में पता चलता है जो जोरो सांजी डायनासोर लाए थे वो एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल थे। फिर उसी आर्क में हमें डोली और ब्रो की नाम के दो जायंट्स के बारे में बताया जाता है, जो उस आइलैंड पे 100 साल से लड़ रहे थे। इन दोनों की फाइट में आज तक कोई एक दूसरे को हरा नहीं पाया था, यानी कि इनके अब तक जितनी भी बैटल हुई इन सभी इनका स्कोर ड्रॉ ही रहा है। यानी जोरो सांजी की तरह ये दोनों वॉरियर्स एक दूसरे के इक्वल है। तो ये पॉसिबल है कि ओडा हमें बताना चाह रहा हो कि डोली और ब्रो की तरह सांजी फाइट करेंगे तो डोरी और ब्रोगी की तरह इक्वल ही रहेंगे। लेकिन फिर ओडा से जब ये सवाल पूछा जाता है अगर जोरो और सांजी की सीरियस फाइट होगी तो इनमें से कौन जीतेगा, जोरो ने मिस्टर वन को हरा दिया तो जोरो ज्यादा पावरफुल है ना, ये देखो ओडा ने किस तरीके से इसका जवाब दिया। दैट फॉर सरप्राइज जो लगता है तुम बोल रहे हो, अगर जोरो और सांजी की फाइट यू हैव टू बी केयरफुल व्हाट यू से, किसी ने शायद कुछ गलत सुना। ओके सी यू नेक्स्ट टाइम। तो इसका क्या मतलब था? जवाब से तो साफ पता लग रहा है कि ओडा ने सीधे पूछा गए जवाब को साफ अवॉइड कर दिया। लेकिन ऐसा हो सकता है ओडा नहीं चाहता किसी को भी इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब मिले। तुम लोग अपने हिसाब से अपने कंक्लूजन बना लो। तुम लोग डोरी को कोई देख लो, ओडा ने अंगाको की डोरी की बताई 2200 और जयबुरा की 2180। ओडा ने यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को इतना क्लोज बताया और यहाँ पे ओडा की बात याद करो, मेक योर ओन कंक्लूजन। सो ये पॉसिबल है ओडा ने जोरो को सांजी से थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर दिखाया, जैसे सेम यहाँ पे काको और जयबुरा को दिखाया है। अब लास्ट में किंग और क्वीन का एग्जांपल ही ले लो। ओडा ने किंग और क्वीन की बंटी भी कितनी क्लोज दिखाई है, सेम काको और जयबुरा डोरगी की तरह। किंग की बंटी है 1.39 बिलियन, वही दूसरी तरफ क्वीन की बंटी है 1.32 बिलियन। इनकी बंटी में पूरे 70 मिलियन पैरी का डिफरेंस था। यहाँ भी शायद बंटी जोरो सांजी की पावर को देखने के लिए कोई सही मैट्रिक ना हो। अब सभी डिफरेंस को देखने के बाद ओडा ने सभी राइवल्स की हाइट में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं करा। जितने भी अब तक वन पीस राइवल्स है ओडा ने सब 1 सेंटीमीटर का गैप करा है, चाहे किंग क्वीन को ले लो या शैंक्स और मियो को, और फिर जोरो सांजी में भी 1 सेंटीमीटर का ही अंतर है। अब देखो ओडा की सभी प्रूफ से तो लगता है कि जोरो सांजी में जोरो ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है, चाहे डोरी की कोई ले लो या किंग क्वीन की बंटी को, सभी में जोरो ही सांजी से थोड़ा ज्यादा पावरफुल लग रहा है। बाकी चीजों से हम पक्का नहीं कह सकते कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इन सभी प्रूफ को नजरअंदाज नहीं कर सकते। वैसे भी इसके कोई प्रूफ हो या ना, हम तो जोरो को ही ज्यादा पावरफुल मानेंगे। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ आपके लिए कौन ज्यादा ताकतवर है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो थोड़ी ज्यादा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर आपको जानना है रेड लाइन स्ट्रक्चर की थियरी के बारे में, आप लोग डेफिनेटली वीडियो को चेक करके देख सकते हो।